चार्जशीट के अनुसार बोकारो के एक छोटे कस्बे के एक युवा आरोपी ने शिकायतकर्ता विवाहित महिला के साथ कई वर्षों तक संबंध रखा। आरोपी ने सबसे पहली घटना के अनुसार शिकायतकर्ता महिला को 14 से 23 अप्रैल 2015 तक अपने फार्म हाउस पर रखा था। महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाया था। उसके फोटो व वीडियो भी बनाए थे तथा उनके आधार पर उस महिला को लगातार अलग अलग स्थानों पर होटलों में बुलाकर मनमर्जी करता रहा। आरोप था कि उसने महिला को धमकी दी थी कि यदि किसी को बताया तो आरोपी महिला के बच्चे और पति को जान से मार देगा। आप हमेशा पाओगे कि यदि एक से अधिक रेप के आरोप होते हैं तो पुलिस केवल पहले और केंद्रीय आरोप को ही इन्वेस्टिगेट करती है, शेष आरोपों पर उसकी इन्वेस्टिगेशन नाम मात्र की होती है। उसी को लेकर जब्ती की जाती है, उसी पर महत्वपूर्ण गवाहों के बयान होते हैं। केवल पहले आरोप का ही नक्शा मौका आमतौर से रिकॉर्ड पर लगा होता है। यह नक्शा मौका लगभग सब केसेस में प्रोसिक्यूटर्स की शिनाख्त पर ही बनाया जाता है, क्योंकि वही उस समय मौके पर उपलब्ध होती है, वही जानती है कि सही सही किस स्थान पर क्या हुआ था। अतः सबसे पहले यह जानना उचित है कि किसी क्रिमिनल केस में साइट प्लान या नक्शा मौका का कानूनी अर्थ क्या होता है। साइट प्लान या नक्शा मौका किसी भी आरोप की मूल घटना के घटित होने वाले स्थान को दर्शाता है और प्रोसिक्यूटर्स के बताने पर केस के पुलिस आईओ द्वारा बनाया जाता है। इस कारण से यह अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होते हैं, इस बाबत हमारी एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। यह प्रोसिक्यूटर्स व पुलिस आईओ द्वारा अपनी आंखों से देखे जाने पर तैयार किया जाता है। अतः यह सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में आता है, जो खुद अपनी आंखों से देखा गया हो। जब सवाल यह हो कि किसी कोर्ट में क्या प्रूव किया जाना है, तो इसके लिए हमें सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट को देखना होता है। सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि किसी भी मुद्दे में मूल मुद्दे यानी फैक्ट्स इन इश्यू या प्रासंगिक मुद्दे यानी कि रेलिवेंट फैक्ट्स को प्रूव किया जाना होता है। अब सारी बात को दोबारा समझिए एक बार, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल ट्रायल में साइट प्लान या नक्शा मौका एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। प्रोसिक्यूटर्स व पुलिस आईओ ने इसे अपनी आंखों से देखा हुआ होता है और यह सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रूव किया जाना जरूरी होता है। अब यदि प्रोसिक्यूटर्स कहती है कि कमरे में बेड के गद्दे पर मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी और उसने यह बात पुलिस आईओ को दिखा दी थी व बता दी थी, तो आईओ का कानूनी फर्ज है कि वह इस बात को केस के साइट प्लान में बनाकर दिखाए। उधर आईओ ने जो साइट प्लान बनाया है उसमें अगर एक रेक्टेंगल आयत जैसा कुछ बना दिया है जिसमें न कमरा है न बेड है, तो आप ऐसे प्रूफ के बारे में क्या कहेंगे। आरोपी पर दोष सिद्धि के लिए जिस साइट प्लान को सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रूव किया जाना जरूरी होता है, क्या ऐसे में आप उस साइट प्लान को प्रूव कह पाएंगे जिसमें सिर्फ यूं एक बर्फी सी बना दी गई है कागज के ऊपर। हमें लगता है कि नहीं कह सकेंगे। बस यही साइट प्लान का तोड़ है जो अंततोगत्वा सारे केस को तहस नहस कर देता है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। आज के वर्तमान केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस समय आरोपी जेल में था और उस समय प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस आईओ ने मिलकर जो साइट प्लान बनाया था उसे हम आपके लिए स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको फार्म हाउस की बाउंड्री दिखाई दे रही होगी, रूम दिखाई दे रहे होंगे, दीवारें, गेट, किचन, दिशाएं, सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन कोई भी ऐसा रूम नहीं दिख रहा होगा जिसमें बेड हो, जिस पर जबरदस्ती की गई हो, आरोपित कृत्य किया गया हो या किया जा सकता हो। हमने प्रोसिक्यूटर्स को सजेशन, क्वारीज, सब तरीकों से पूछा था कि क्या घटना स्थल पर बेड, बिस्तर, चादर वगैरह नहीं थे, तो प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी गवाही में बिल्कुल ठोक कर कहा था कि रूम में बेड था, बिस्तर था, उस पर अपराध घटित हुआ था, लेकिन नक्शे में ना तो वह रूम था जिसमें बेड हो, ना बेड था और ना ही बिस्तर था। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स को या जो दूसरे हमारे पुराने एडवोकेट्स हैं उनको भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिस समय आप किसी केस में क्रॉस करते हैं उस समय आपको
उस केस फाइल से बाहर के सारे तथ्यों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। केवल और केवल फाइल को देखिए, फाइल और मात्र फाइल को समझना चाहिए। केवल और केवल फाइल से अपना सवाल तैयार करना चाहिए। हमने भी ऐसे ही किया और आईओ से सवाल पूछने शुरू किए। हमने पूछा, आईओ साहब, क्या प्रोसिक्यूटरिक्स ने आपको वह स्थान दिखा दिया था जहां 24 से 23 अप्रैल 2015 के आरोपित कृत्य को किए जाना बयान हुआ है? आईओ ने कहा, जी हाँ, मौका मुआयना पीड़िता ने ही बनवाया था। हमने फिर सवाल पूछा, क्या आपने नक्शा मौका प्रदर्श 23H पीड़िता के बिल्कुल कहे के अनुसार ही बनाया था या कुछ बदलाव भी किए थे? वह मुस्कुराया SHO और उसने कहा, वकील साहब, ये हमेशा ही पीड़िता के मुताबिक बनाया जाता है, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। हमने अगला सवाल पूछा, आईओ साहब, जरा अपने नक्शा मौका में दिखाए उस कमरे पर उंगली रख दीजिए जिसमें यह आरोपित कृत्य का होना बताया गया है। आईओ को चक्कर आ गए, शायद उसके करियर में उससे यह पहली बार पूछा गया था। उसने किसी तरह उत्तर का जुगाड़ भिड़ाया, कहा, पूरे फार्म हाउस में वे दोनों ही थे, वे जहां चाहे लेट सकते थे, बैठ सकते थे, जो चाहे कर सकते थे। बड़ा अजीब सा जवाब दिया था उसने, तो हमने उस पर फिर से तगड़ा कानूनी वार किया। आरोपित कृत्य एक कमरे में नहीं हुआ बल्कि पूरे फार्म हाउस पर हुआ था, यह आपका कथन है या पीड़िता का कथन है? क्योंकि पीड़िता ने तो यही कहा था कि मुझे ले जाकर उस फार्म हाउस के कमरे में बंद कर दिया, वहां जो बेड पड़ा हुआ था उस पर मेरे साथ अपराध कारित किया गया। तो हमने इसीलिए सवाल उससे पूछा। हमने यह इसलिए भी पूछा कि पीड़िता का बयान था कि आरोपी ने उसे ले जाकर फार्म हाउस के कमरे में बंद कर दिया और लगातार 10 दिनों तक शोषण किया। उसने जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से कोई कथन क्यों करूंगा जी, मैं तो आई विटनेस नहीं था। तो जब इस तरह से विटनेस का चारों तरफ भागने का रास्ता बंद हो जाता है तब लीगल सजेशंस देने का सही वक्त होता है। हमने भी उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है कि पूरे फार्म हाउस में ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें बेड हो और उस पर कोई गद्दा हो, इसलिए आपने ऐसा कोई कमरा अपने साइट प्लान में नहीं दिखाया है। उसने जवाब दिया, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कमरे में ही दुष्कर्म हुआ था। वह कुछ भी जवाब देता रहे लेकिन हमारा तीर निशाने को बेध चुका था। कोई भी कोर्ट पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि इससे क्या अर्थ निकल रहा है। नित्यकर्म और लघुशंका के मुद्दे पर हमने प्रोसिक्यूटरिक्स का लंबा क्रॉस किया था। नित्यकर्म और लघुशंका अर्थात नेचुरल कॉल्स, उससे भी पूछा था कि नित्यकर्म और लघुशंका अर्थात नेचुरल कॉल्स के अभाव में वह 10 दिनों तक कैसे रही थी, क्योंकि पूरे घर में कहीं कोई लेबोरेटरी या शौच स्थान नहीं दिखाया गया था। हमने आईओ से सवाल किया, क्या प्रोसिक्यूटरिक्स ने ऐसा कोई आरोप लगाया है कि उसको 10 दिन तक शौच आदि से रोक कर रखा गया था? उसने जवाब दिया, नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कोई आरोप नहीं आया है। तो यहाँ भी दूसरा सजेशन पक चुका था, तैयार हो चुका था और हमने वह उसको दे दिया। मेरा कहना है कि उस फार्म हाउस में कोई लेबोरेटरी या शौच स्थान नहीं था, इसी कारण से आपने पूरे साइट प्लान में कोई लेबोरेटरी नहीं दिखाई है। उसने जवाब दिया, हाँ, नक्शा में तो नहीं है। हमने फिर सवाल पूछा, मेरा कहना है कि वह फार्म हाउस एक इनहैबिटेबल या रहने के अयोग्य स्थान था, इसीलिए उस फार्म में कहीं कोई शौच स्थान नहीं बनवाया गया था। उसने जवाब दिया, मैं क्या कह सकता हूँ जी। हमने अगला सवाल पूछा और वो भी सजेशन ही था। मेरा कहना है कि वह फार्म हाउस एक इनहैबिटेबल अर्थात रहने के अयोग्य स्थान था, इसीलिए उसमें 10 दिन तक रहकर आरोपित कृत्य करने का आरोप झूठा है और मनगढ़ंत है। उसने जवाब दिया, नहीं, पीड़िता ने तो यही आरोप लगाया है। इस पॉइंट पर हमारा क्रॉस इतना ही था। आप नोट करेंगे कि हमने इसमें पीड़िता और आईओ के बयान परस्पर विरोध में खड़े कर दिए हैं। आईओ की मानोगे तो प्रोसिक्यूटरिक्स झूठी साबित होती है और प्रोसिक्यूटरिक्स की मानोगे तो आईओ झूठा साबित हो जाता है। दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी की तारतम्यता भंग हो गई है। इस प्रोसिक्यूशन स्टोरी के सच साबित होने के लिए जिन अनिवार्यताओं की आवश्यकता थी, जैसे उस विशिष्ट कमरे को चिन्हित किया जाना, बेड का दिखाया जाना, दैनिक आवश्यकताओं के लिए एक लेबोरेटरी या शौच स्थान का होना, ये सब बातें इस केस से गायब हुई दिखा दी गई थी। केस को जीतने के लिए, आरोपी को जिताने के लिए इतना पारंगत तो आपको होना ही पड़ेगा। यदि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो आपका क्लाइंट निश्चित रूप से हारेगा। हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स यदि अभी स्तर तक नहीं आ पाए हैं तो हम अपने यंग एडवोकेट कलीग्स को बताएंगे कि कैसे करके वे बेहतरीन क्रॉस को तैयार कर पाएंगे। जो स्वयं आरोपी हैं वे भी अपना ज्ञान अर्जित करें, स्वयं को बचाएं, क्योंकि आपका ज्ञान किसी भी कानूनी लड़ाई में आपका सर्वोत्तम हथियार होता है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है।
आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।